यूपी के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आबकारी विभाग बहराइच एवं थाना दरगाह की संयुक्त टीम के द्वारा थाना दरगाह शरीफ के मोहल्ला बक्सीपुरा में आकस्मिक दबिश दी गई। इस दबिश के दौरान ब्रजेश जायसवाल के घर से भारी मात्रा में अवैध मदिरा बनाने में हेतु प्रयोग किए जाने वाले डक्कन होलोग्राम QR कोड स्विफ्ट अवैध मिलावटी शराब बरामद की गई एवं 4 वाहनों सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रजेश जायसवाल ग्रोह बनाकर अपनी टीम के साथ अवैध मदिरा बनाने वाले निश्चित विक्रेताओं को डक्कन एवं होलोग्राम की सप्लाई करता था। रिपोर्ट नसीम खान, बहराइच, UP। आबकारी विभाग और दरगाह पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा दरगाह थाना क्षेत्र के बक्शीपुरा मोहल्ला में अवैध शराब के खिलाफ दबिश दी गई, जिसमें से मौके से देसी विदेशी शराब के विभिन्न ब्रांडों के 40,000 ढक्कन, लगभग 85 होलोग्राम QRD, 50 लीटर स्प्रिट, 10 लीटर बनी हुई शराब, कुछ बनी हुई शराब की पेटियां, खाली पौवे, यूरिया 2 kg, वाहन चार जिसमें से 3 मोटरसाइकिल, 1 वैगनार कार और 3 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमा थाना दरगाह शरीफ में पंजीकृत किया गया है। क्या ये जहरीली शराब बना रहे थे? संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। ये कैसी शराब है? ये मिश्रित शराब है। मिश्रित शराब बनाने की ये सब आइटम है जो कि ये खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, ये इसीलिए ये इकट्ठा किया गया है और ये पुलिस और आबकारी टीम के द्वारा बहुत समय से और बड़ी कार्रवाई की गई है और संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितनी शराब बरामद है? 60 लीटर शराब मौके से बरामद।